हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मी चैनल। फ्रेंड्स, मैं मारूफ फिश ली हूँ। ये मैं अच्छे से हल्दी नमक डाल के क्लीन करके रखी हूँ। फिश को लगाने के लिए मसाला लेंगे, एक टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, और अदरक लहसुन का पेस्ट एक टेबल स्पून। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। मसाले में एक टीस्पून विनेगर डाल के अच्छे से मिला लेंगे। आपके पास विनेगर नहीं तो नींबू डाल के भी मिला लें। फिश का मसाला को मैं थिक रखी हूँ। अब वो मसाला फिश के ऊपर अंदर बाहर लगा लेंगे। फिश को मसाला लगा के आधा घंटा के लिए मैरिनेट होने रखेंगे। आधा घंटा हुआ है मैरिनेट हुए फिश को ये, और इसके ऊपर दूसरा कोटिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। 3 टीस्पून चने का आटा ली हूँ। ये बेसन का आटा भी बोलते हैं। ये चने का आटा का कोटिंग पतला सा फिश के ऊपर देख के तलेंगे फ्रेंड। और लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक। कम डाले फ्रेंड, ऑलरेडी फिश में भी लग चुका है नमक, देख के इसमें नमक डालें और अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। चने का आटा को मसालों में अच्छे से मिला लेंगे और इसमें ज़रा ज़रा पानी डाल के अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा थिक भी नहीं करना, एक हिसाब से आटा को एक पेस्ट के हिसाब से बना लेंगे। फिश के ऊपर कोटिंग करने के लिए आपको अंदाज़ मालूम होगा। देखे फ्रेंड, इस तरह से पेस्ट को बना लें। अब फिश को चने का आटा की कोटिंग कर लेंगे। फिश के ऊपर बारीकी चने का आटा की कोटिंग करें फ्रेंड, मोटा कोटिंग ना करें, इससे फिश के अंदर का कच्चापन तलने के टाइम में रहेगा। चने का आटा का ऊपर भी फ्राई होना और फिश के अंदर भी फ्राई होना, इसी तरह से बारीकी लगा लें। फ्रेंड, आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ। आप इस रेसिपी को लाइक और शेयर करें, हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो जो भी डालें वो आपको जल्दी मिलेगी फ्रेंड। अब यहाँ मैं ग्रीन पैन ली हूँ, आप कोई भी पैन लेके फिश को तल लें। ये मैं ज़रा सा आयल डाल रही हूँ। इस ये फिश को मीडियम फ्लेम में ही तलेंगे फ्रेंड। फिश के पीस को प्लेट में डाल के इस तरह से कोटिंग कर लें, या तो स्पून लगा के कोटिंग करें। ये दोनों भी आपको बताई हूँ फ्रेंड, को जो भी आसान लगे आप कर सकते हो। गैस का फ्लेम को
लो मीडियम रख के फ्राई करें फ्रेंड। हमारा फिश अंदर और बाहर से अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये चने का आटा लगा के फ्राई कर रही हूँ, वो थोड़ा बहुत पैन में लगेगा, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा फ्रेंड, अच्छे से टेस्ट आएगी। ऐसे भी चने का आटा का पतला ही कोटिंग करी ही और उसके अंदर का मसाला का बहुत अच्छे से टेस्ट आएगी फ्रेंड। ये फिश खाने में बहुत टेस्टी बनी थी फ्रेंड। कोई भी फिश लिया हमारे तरह से इसे मसाला लगा के फ्राई करे तब ये टेस्ट का फ़र्क देखे फ्रेंड। नॉर्मल फिश से और ये फिश से बहुत डिफरेंट टेस्ट मिलेगी, आप भी ट्राई करें। फिश तैयार हो चुकी है फ्रेंड, अब गरम गरम सर्व करेंगे और गरम गरम खाने का मज़ा कुछ और है। फिश को टमाटो और प्याज के साथ सर्व करेंगे। आप फिश को राइस के साथ और प्याज और टमाटो के साथ खाइए, उसका मज़ा अलग ही टेस्ट देगी फ्रेंड्स। इंशाल्लाह फिर नए रेसिपी के साथ मिलेंगे, जब तक अल्लाह हाफिज़।